हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट आसिफ और आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त ऐप के बारे में बताऊंगा। ये एक मैसेजिंग ऐप है और जिस तरह आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं बिल्कुल इसी तरह आप इस ऐप को भी यूज़ कर सकते हैं और इसके कई फ़ीचर्स तो ऐसे हैं जो कि आपको व्हाट्सएप में भी नहीं मिलेंगे और वो फ़ीचर्स हैं बहुत अच्छे। तो इस वीडियो में मैं आपको उन फ़ीचर्स के बारे में भी बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने आसिफ इकबाल टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस बटन पर क्लिक करके आप आसिफ इकबाल टीवी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले आप प्ले स्टोर ओपन कर लें और प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपने यहाँ लिखना है गूगल एलो। तो गूगल एलो आपके सामने देखेंगे स्क्रीन पर है, आपने इस पर क्लिक करना है और देखिए मेरे पास ओपन का ऑप्शन इसलिए आया कि मैं इसको इंस्टॉल कर चुका हूँ। आपने इसको इंस्टॉल करना है, उसके बाद ओपन का ऑप्शन आपके पास आएगा। तो कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जब आप अपना फ़ोन नंबर वेरीफाई करा लेंगे, ठीक है। तो ये जैसे आप व्हाट्सएप में कराते हैं तो ये ऑप्शन है। आप जैसे थ्री लाइन्स हैं इस पर क्लिक करेंगे तो प्रोफाइल पिक्चर आप लगा सकते हैं, इसमें अपना नाम वगैरह चेंज कर सकते हैं, ब्लॉक कॉन्टैक्ट्स हैं इसमें, सेटिंग वगैरह वो आप चेक कर सकते हैं और आप जो भी आपके कांटेक्ट में लोग हैं आप उनको इनवाइट कर सकते हैं इजीली। और जैसे इस कांटेक्ट पे मैं क्लिक करता हूँ तो मैं कोई मैसेज राइट करता हूँ, तो जैसे मैं लिख रहा हूँ हाउ आर यू, ठीक है। तो इसमें मैं इमोजीज वगैरह भी ऐड कर सकता हूँ, ये देखें इस पर क्लिक करूँगा और इमोजीज काफ़ी सारे हैं इसके अंदर हैं देखें। और ये जो थ्री डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं इस पर क्लिक करेंगे तो और बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे, डिफरेंट पिक्चर्स आप ऐड कर सकते हैं, देखें सेंड कर सकते हैं बड़ी इजीली, देखें काफ़ी सारी हैं, बहुत सारी हैं देखें। अप डाउन कर सकते हैं, राइट लेफ्ट आप मूव कर सकते हैं, देखें कितनी सारी फीचर्स हैं इसमें। और यहाँ इस पर क्लिक करेंगे जैसे प्लस पे तो और ऑप्शंस आ जाएंगे आपके सामने, और पिक्चर आप ऐड कर सकते हैं, देखें यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और इजीली आप इनको सेंड कर सकते हैं। माई स्टिकर जो है इस पर भी आप काफ़ी आपको ऑप्शंस नज़र आएंगे। और देखें नीचे ये आपको बार नज़र आ रहा है ब्लू कलर का, इसमें देखें ये जो है कैमरा है, आप कैमरे से पिक्चर लेके उसी वक्त सेंड कर सकते हैं, ठीक है। कीबोर्ड है, कीबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो वहीं पर ये आ जाएगा, यानी कि दोबारा जहाँ से आप राइट कर रहे थे मैसेज। और दूसरे ऑप्शन भी आप चेक कर सकते हैं, जैसे मैं कीबोर्ड पर क्लिक करता हूँ देखें वहीं पर दोबारा वही विंडो आ गई। तो इसके अलावा आप अगर देखें इस पर क्लिक करेंगे राइट साइड पर, अप राइट साइड जो है देखें डिफरेंट ऑप्शंस आपके सामने हैं, ऐड पीपल हैं वो ऐड कर सकते हैं आप इसमें अपनी कन्वर्सेशन में, हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं, म्यूट हैं, चैट डिटेल्स हैं, ये सारे ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आप अपने जज्बात का इजहार करना चाहते हैं, ये एक बड़ा अच्छा फीचर है इसके अंदर कि अगर आप अपने जज्बात का इजहार करना चाहते हैं कि जैसे हाउ आर यू लिखा और आप चाहते हैं ऊँची आवाज़ में बोलना यानी कि शाउट करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर अपनी फिंगर लानी है इस एरो पर और इसको टॉप की तरफ स्लाइड करना है, यानी ऊपर की तरफ स्लाइड करना है तो इसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा टेक्स्ट का, यानी कि इस वक्त आप शाउट कर रहे हैं। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि धीमी आवाज़ में बात करना यानी कि सरगोशी के अंदाज़े बात करना तो वो भी आप कर सकते हैं, जैसे लिखा है यहाँ पर हाय, कुछ भी आप लिख लें और इस तरह आप फिंगर इस पे ला के आपने नीचे की तरफ उसको स्लाइड करना है, ये देखें तो साइज़ इसका देखें छोटा हो गया ना। तो इस तरह आप अपने जज्बात का इजहार कर सकते हैं, तो ये अच्छा फीचर है इसके अंदर। इसके अलावा जब आप कोई मैसेज सेंड करते हैं तो और आपके सामने सजेशन भी आते हैं, देखें उससे रिलेटेड वेयर आर यू, हाउ आर यू, ये देखें साथ इमोजीज वगैरह ये वो। तो इस तरह ये बहुत अच्छा इसके अंदर फीचर है, जैसे मैं इस पर डायरेक्ट क्लिक करूँगा तो ये सेंड हो जाएगा, देखें वेयर आर यू, ये सेंड हो गया, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है बार बार। और इस तरीके से जैसे आप चैट विंडो इसको आप क्लियर करना चाहते हैं तो मैं बताया था अभी इससे पहले आपको कि आप क्लियर हिस्ट्री पर क्लिक करेंगे, ये जो ऑप्शन दिखाए थे आपको मैंने डिलीट, तो ये क्लियर कर सकते हैं, अभी देखें क्लियर हो गया। अच्छा, एक और ऑप्शन है कि वो तो बहुत ज़बरदस्त फीचर है इसका, जो कि मैं आपको मैंने बताया था गूगल असिस्टेंट। गूगल असिस्टेंट से आप हर तरह की हेल्प ले सकते हैं, किसी भी तरह की हेल्प आपको चाहिए हो आप बड़ी आसानी से गूगल असिस्टेंट से ले सकते हैं, उसी वक्त आपको रिप्लाई आता है। तो देखें चेक करते हैं, देखें फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ हाउ टू क्रिएट जीमेल, आप देखिएगा उसी वक्त रिप्लाई आएगा, सेंड कर दिया इसको मैंने।
ये देखें रिप्लाई उस वक्त आ गया। ये मैंने क्वेश्चन किया था हाउ टू क्रिएट जीमेल, हियर इज़ अ रिजल्ट फ्रॉम सर्च। आप गूगल असिस्टेंट को अपनी जो कन्वर्जेशन हो उसमें भी ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से आप टाइम टू टाइम आप हेल्प ले सकते हैं गूगल असिस्टेंट की, हर तरह की हेल्प आपकी करेगा। अब देखें इसमें जो सजेशन है उसमें आपके सामने डिफरेंट ही आ गया। देखें क्रिएट फेसबुक अकाउंट, जीमेल लॉगिन पासवर्ड, तो ये सारे जब आप लिखेंगे तो उसका उसके बारे में आपके सामने फौरन आ जाएगा स्क्रीन पर। हाउ टू मेक ईमेल टेम्पलेट इन जीमेल, जीमेल साइन आउट, ये देखें सारा इसमें दिया हुआ है, आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखें क्रिएट फेसबुक अकाउंट, अब इसमें मैं क्लिक करता हूँ फॉर एग्जांपल, ये देखें फौरन देखें रिप्लाई आया इनका। इसी तरीके से कोई नियर बाय होटल है, ठीक है, कोई रेस्टोरेंट वगैरह है, वो भी आप मालूम कर सकते हैं, आपके एरिया में भी बता देगा जो भी आपके एरिया में करीब करीब हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है जो कि आपको व्हाट्सएप में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ इसी मिलेगा क्योंकि ये गूगल की प्रोडक्ट है। तो फ्रेंड्स इस तरह आप बड़ी आसानी से इस ऐप को भी यूज़ कर सकते हैं जिस तरह व्हाट्सएप को यूज़ कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो काइंडली इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ भी आप देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।